दोस्तों फाइनली बीएसएनएल मोबाइल ने लॉन्च किया है 3 धांसु और सबसे छोटा प्लान। लेकिन दोस्तों बीएसएनएल मोबाइल के लिए जो 3 धांसु प्लान निकल के आते हैं, मैं आपको लेने के लिए बिल्कुल मना करूंगा। क्यों दोस्तों? वो भी आखिर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों जियो फोन यूजर, उसके लिए अभी है सबसे बढ़िया बैड न्यूज, क्योंकि जियो फोन यूजर का प्राइस हाइक हो गया है। जियो फोन का जो प्लान था उसका प्राइस हाइक हो गया है। बहुत सारा छोटा छोटा प्लान वो अभी छोड़ के चला गया है जियो फोन को। और उसके साथ साथ जियो फोन में अभी लॉन्च हुआ है ऑल इन वन जियो फोन प्लान। दोस्तों आपको सब कुछ एक साथ जानना है तो ये वीडियो जरूर आपको आखिर तक देखना ही होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदीप, हमेशा की तरह दीप टेक टॉक यूट्यूब चैनल का और एक बिल्कुल फ्रेश नया एंड वेरी एक्साइटिंग एपिसोड में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको घर बैठे हर दिन मुफ्त मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज कुछ हटके जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं बीएसएनएल मोबाइल के बारे में। दोस्तों बीएसएनएल मोबाइल मतलब बीएसएनएल पोस्टपेड यूजर। दोस्तों बीएसएनएल पोस्टपेड यूजर के लिए बीएसएनएल लॉन्च किया है 3 धांसु प्लान और सबसे छोटा वाला प्लान बीएसएनएल पोस्टपेड सेक्टर के अंदर। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्लान किसी पे भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको ये प्लान लेने के लिए बिल्कुल मना करूंगा, क्योंकि दोस्तों बीएसएनएल ने सबसे छोटा प्लान उसका पोस्टपेड सेक्टर में लॉन्च किया है ओनली 150 रुपीज का। दोस्तों ये 150 रुपीज का जो प्लान है बीएसएनएल की तरफ से, इधर आपको मिलते हैं ओनली 40 GB डेटा और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत डेटा रोल ओवर का फायदा। और जो नेक्स्ट प्लान आते हैं वो आते हैं 250 रुपीज का, इधर भी 70 GB डेटा आपको मिल रहा है, 2G अनलिमिटेड आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये दो प्लान बिल्कुल आप नहीं लोगे, इसके लिए मैं मना कर रहा हूं। इसके लिए बहुत अच्छा है आपको वोडाफोन आइडिया के साथ जाना, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में अभी डेटा रोल ओवर भी हो रहा है। वोडाफोन आइडिया का प्रीपेड सेक्टर में देखो डेटा रोल ओवर है, डबल डेटा बेनिफिट भी आपको मिल रहा है, लेकिन बीएसएनएल आपको बिल्कुल नहीं दे रहा है। देखने में छोटा है लेकिन काम में छोटा नहीं है, काम में बहुत बड़ा है। तो आपको वोडाफोन आइडिया के साथ जाना है, बीएसएनएल के साथ बिल्कुल नहीं जाना है। और जो लास्ट छोटा प्लान बीएसएनएल की तरफ से निकल के आता है वो है ओनली 199 रुपीज का। 199 रुपीज में इधर आपको देखने के लिए मिलता है अनलिमिटेड कॉल, लेकिन बीएसएनएल की तरफ से पोस्टपेड सेक्टर में अनलिमिटेड कॉल बिल्कुल नहीं है। बीएसएनएल टू बीएसएनएल तो अनलिमिटेड है, लेकिन बीएसएनएल टू अदर्स नेटवर्क डेली ओनली आपको 300 मिनट्स करके ही मिलेगा। उसके साथ साथ आपको देखने के लिए मिलेगा ओनली 25 GB डेटा, उसके साथ साथ ओनली 75 GB डेटा रोल ओवर 100 SMS एक महीना के लिए। तो दोस्तों इसके साथ भी बिल्कुल नहीं जाना है। आपको जाना चाहिए तो वोडाफोन आइडिया के साथ जाना है, या तो फिर एयरटेल के साथ जाना है, या तो फिर आप जियो के साथ भी जा सकते हो। आपका उधर जिसका नेटवर्क सबसे अच्छा है, वोडाफोन आइडिया है, एयरटेल है, जियो है, किसी भी साथ आपको जाना है, बीएसएनएल के साथ बिल्कुल नहीं जाना है। देखने में जितना छोटा, काम में भी उतना ही छोटा है बीएसएनएल। तो बीएसएनएल बिल्कुल बेकार हो गया है, बेकार सा प्लान है। और दोस्तों लास्ट खबर निकल के आते हैं जियो फोन यूजर के लिए। दोस्तों जियो फोन का प्राइस हाइक अभी हो चुका है उसका प्लान सेक्टर में। दोस्तों जियो का जो सारा जियो फोन के लिए प्राइस था, मतलब रिचार्ज प्राइस जो था, जो प्लान था 99, 153, 297, 594, ये बिल्कुल जियो ने हटा दिया। उसके बदले लॉन्च किया ऑल इन वन जियो फोन प्लान। वो प्लान है दोस्तों 75 रुपीज का, जिधर आपको मिलता है 0.5 GB करके डेली हाई स्पीड डेटा, ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग, 28 दिन का वैलिडिटी। और नेक्स्ट प्लान आता है 125 का, इधर भी आपको देखने के लिए मिलता है 0.5 GB करके डेली हाई स्पीड डेटा, ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग, 28 दिन का वैलिडिटी के साथ। और थर्ड नंबर प्लान आते हैं 155 रुपीज का, इधर आपको देखने के लिए मिलता है डेली 1 GB करके हाई स्पीड डेटा, ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग, 28 दिन का वैलिडिटी। और लास्ट प्लान आते हैं जियो फोन ऑल इन वन प्लान की तरफ से 185 रुपीज का। 185 में आपको देखने के लिए मिलेगा 2 GB करके डेली हाई स्पीड डेटा, ट्रूली अनलिमिटेड कॉलिंग, 28 दिन का वैलिडिटी। तो दोस्तों आप जो जियो फोन यूजर है, जियो को अभी हटाइए, क्योंकि जियो का इतना प्राइस हाइक हो गया है कि जियो के साथ चलना बिल्कुल आसान नहीं लगता मेरे को। आपको आसानी होगा ओनली वोडाफोन आइडिया यानी कि वी के साथ चलना। आपके उधर वी बहुत अच्छा तरीके से काम करते हैं तो आप वी के साथ जा सकते हो। इधर दोस्तों अब बता दीजिए कि आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगा,
किया कि जियो फोन को हटाना चाहिए, उसके जगह पे वी को आना चाहिए। क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता देना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम।